केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि समय लगेगा लेकिन केजरीवाल बाहर आएंगे। बीजेपी ने झूठे केस में फंसाया, ये आतिशी का बयान है। बीजेपी विपक्ष को जेल में डाल रही है, ये भी गंभीर आरोप आतिशी की तरफ से लगाया गया है। यानी समय लगेगा लेकिन केजरीवाल बाहर आएंगे, ये पूरा केस जो है इसे फंसाया गया है, फैब्रिकेटेड इसे बताने का काम कर रही है। आतिशी ने कहा कि विपक्ष को ही बीजेपी जेल में डाल देना चाहती है। देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। शुरू से दरअसल आम आदमी पार्टी का यही रुख है, जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई या जब से उनके खिलाफ ये इस मामले में जांच पड़ताल हो रही थी। एक बार फिर से दीपक के पास मैं आपको लिए चलता हूं। ये तो कोई नई चीज नहीं है दीपक, केजरीवाल का जो स्टैंड था केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी का, वही बात अभी भी लगातार कहने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ फैब्रिकेटेड है। जी बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है, और क्यों सिर्फ चुनाव के इर्द गिर्द इस पूरी कहानी को बुना गया, लोकसभा के चुनाव के टाइम पर गिरफ्तारी की गई। लेकिन ईडी सीबीआई की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि लगातार ईडी सीबीआई ने कई सारे गवाह खड़े किए, उन गवाहों के बयान के आधार पर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई, सीधे तौर पर चार्जशीट तक दाखिल की गई। चार्जशीट में ये तक कहा गया कि अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, सीधे तौर पर उनसे बात करके ये पूरी पॉलिसी तैयार की गई। आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया गया चार्जशीट में, जो अभी दो दिन पहले फाइल हुई है। तो सीधे तौर पर मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, लेकिन इस मुश्किलों के बीच आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी राहत की खबर यह है कि अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है, और इसी अंतरिम जमानत के फैसले का असर आम आदमी पार्टी को लगता है कि सीबीआई मामले में हाईकोर्ट में भी मिलेगा। और अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो फरवरी में जो दिल्ली में चुनाव होने विधानसभा के, उसमें आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। उससे पहले हरियाणा में भी इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, गठबंधन से मना कर दिया है, कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं होगा विधानसभा में। तो सीधे तौर पर इन दो विधानसभा चुनावों पर आम आदमी पार्टी की नजर होगी, और आम आदमी पार्टी को यह फायदा लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाए तो प्रचार प्रसार कर पाएंगे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी पूंजी थी ईमानदारी, उसी पर बीजेपी ने एक तरह से हमला किया। यह पूरी जो जांच पड़ताल है उसी के इर्द गिर्द है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रही है, केजरीवाल को शहीद दिखाने का प्रयास कर रही है। ABP News, आपको रखे आगे।